आज हमारे साथ बौद्ध धर्म के जानकार सुधीर राज सिंह जी हैं और हम उनसे जानेंगे कि पाली भाषा में वर्ण और गोत्र का मतलब क्या होता है। सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। देखिए, पाली भाषा में जो ये शब्द है इसको बोलते हैं वर्ण। वर्ण का मतलब है वह आधा ऋण और पूरा ऋण, और इसका पाली में कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ये वर्ग है या कोई क्लास है या क्लासिफिकेशन है। जैसा कि आम बोलचाल में कहते हैं कि वर्ण एक क्लासिफिकेशन है, जैसे बोला जाता है कि चार वर्ण हैं, क्योंकि वहाँ वर्ग को वग बोला जाता है पाली में। तो वर्ण क्या है? वर्ण बेसिकली वर्ण पाली में या वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर। जैसे हम कहते हैं श्वेत वर्ण या श्वेत वर्ण, पाली में कहेंगे तो श्वेत वर्ण या श्वेत वर्ण, सफेद वर्ण का, श्याम वर्ण, काले वर्ण का, काले रंग का, या पीत वर्ण बोलेंगे, पीत का मतलब है पीले वर्ण का, या लोहित वर्ण बोलेंगे, रक्त वर्ण बोलेंगे, लाल वर्ण का, लाल रंग का, हरित वर्ण का मतलब है हरे रंग का, नील वर्ण का मतलब है नीले रंग का। ये ऐसे करके वर्ण का मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि पाली में इसको रंग बोलते हैं। अब वर्ण की दिक्कत क्या है और परेशानी क्या है कि जब भारत में सारे लोग यहाँ रहते थे और सब लोग यहाँ मूल निवासी यहाँ के थे, तब यहाँ सिर्फ रंग था इसका मतलब, कलर, और कोई मतलब नहीं था। मगर जब कुछ बाहर से लोग आए जिनके चेहरे का रंग कोई था ही नहीं और वो सफ़ेद रंग होता था उनका, तब पहली बार यहाँ रंग के ऊपर विभाजन हुआ और विभेद हुआ, भेद हुआ। क्या हुआ? हमारे जो इधर मूल निवासी लोग थे उन्होंने कहा कि हम हैं वर्ण वाले लोग और ये रंग से फीके हैं, बेरंग हैं, इनका कोई रंग नहीं है, विदाउट कलर हैं। तो उनको कहा अवर्ण, यानी कि अवर्ण, बिना रंग के, बेरंग वाले। तो दो लोगों का विभाजन हुआ यहाँ, एक रंग वाले जिनका रंग यहाँ, क्योंकि यहाँ का भारत की जलवायु गर्म जलवायु है तो यहाँ के रंग काले और पक्के होते हैं, और जो लोग बाहर से आए वो सफ़ेद रंग थे क्योंकि वो बहुत ठंडे प्रदेशों से आए तो उनका रंग कोई था नहीं, तो उनको अवर्ण कहा। और इस तरह से विभाजन हुआ। फिर मिक्स उनके और यहाँ की जो संतानों से मिक्स संतानें आईं या जो मिक्स लोग आए उनको कहा संकर वर्ण। एक तीसरा वर्ण भी आया, तीसरा रंग भी आया। संकर माने हाइब्रिड होता है, संकर पाली में भी संकर नाम है इसका, संकर नस्ल बोलते हैं इसको, या संकर ब्रिड, या संकर वर्ण, या संकर वन। इसका मतलब है एक मिक्स आया और उस मिक्स को या संकर वर्ण को, हाइब्रिड को, एक तीसरा वर्ण बना। ये तीन वर्ण थे। अब तीन वर्णों के ही यहाँ लोग थे और तीन वर्णों में जिनका रंग अच्छा माना जाता था उनको सुवर्ण बोलते थे। सुवर्ण माने जैसे सु माने अच्छा होता है, सुवर्ण माने अच्छा रंग, देखने में अच्छा लगे। और जो बाहर के लोग आए जिनको अच्छा नहीं मानते थे वो अवर्ण हो गए, यानी कि उनका कोई रंग नहीं था। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक था, यहाँ तक तो बात ठीक थी। मगर बाद में जो वर्ण बनाए गए वो वर्ण पाली में कहीं दिखाई नहीं देते, जिसमें ये कहा गया कि क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण इसलिए पाली में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि पाली में छह वर्ड ही नहीं है। जब छह वर्ड ही नहीं है तो क्षेत्रीय वर्ण नहीं है, क्योंकि जो लोग खेत में काम करते थे उनको खेतिया बोलते थे, और भारत में पाली के बुद्ध के समय से पहले तक में सेनाएं नहीं होती थी। जब सेनाएं ही नहीं होती थी तो क्षत्रिय कहाँ से आए? और उस समय तक हथियार भी कोई खास नहीं होते थे, और पहले तो बिल्कुल हथियार थे भी नहीं, तो युद्ध भी नहीं होता था, संगठित सेनाएं भी नहीं थी और युद्ध भी नहीं होते थे। तो क्षेत्रीय वर्ड छह वर्ड पाली में नहीं है। पाली में खेतिया मिलता है, यानी जितने भी लोग थे वो खेतीय, खेत में काम करते थे, इसलिए उनको खेतीय बोलते थे। और खेतीय वर्ड को ही जब बाद में भाषा का मॉडर्नाइजेशन हुआ और उसको बनाई गई भाषा ऐड की गई और संस्कारित की गई, तो मॉडिफिकेशन में आधा के और खे जो है उसको छह भी बोला गया, दोनों शब्द चले। अभी हम खेत भी बोलते हैं और क्षेत्र भी बोलते हैं, और आप ध्यान दें कि क्षेत्र और खेत दोनों एक चीज़ हैं। क्षेत्रीय और खेती अलग अलग चीज़ हैं, मगर क्षेत्र और खेत एक ही है। क्षेत्रफल कितना है और क्षेत्रफल कितना है एक ही बात है, मगर क्षेत्रीय, क्षत्रिय कौन है और खेतीय कौन है ये अलग अलग है। तो भाषा के अंतर से जो खेतीय थे उनको क्षेत्रीय, क्षत्रिय कहा गया, और जो क्षत्रिय थे उनको खेतीय कहा गया। ये डिफरेंस हुआ। भारत के सारे लोग आज भी खेतीय हैं, क्योंकि काम ही वहाँ दो थे उस समय, या तो खेत में, क्षेत्र में काम करना, और या
जंगल से जाके पशुओं का शिकार करके उनका मांस, अंडा, मछली और उनका दूध, उनकी खाल, उनकी हड्डियां लेके आना, ये प्राइम काम थे, यही दो काम थे। तो वर्ण व्यवस्था जो ये बताई गई है ये पाली के हिसाब से रंग भेद है, और ये साफ साफ कहती है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो काले पक्के रंग के हैं और उन्हें अपने रंग पर बड़ा गर्व है और बड़ा गुमान है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो रंगीन लोग हैं, रंग वाले लोग हैं, और जो बाहर से आए वो सफ़ेद लोग हैं, उनका अवर्ण है, उनका कोई रंग रंग नहीं है, अवर्ण है। और गोत्र जो है, गोत्र कुल या वंश, जैसे गौतम वंश है या शाक्य वंश है या शाक्य कुल है, ये जो लाइनें चली आ रही है, जो वंशावली चली आ रही है कि हमारे पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, ये गोत्र उसको बोला जाता है। सिंपल सा होता है कि जो जिस कबीले में, कुल में आता है वो उसके कुल का, कबीले का माना जाता है, वो उसका गोत होता है। ये एक जानकारी के लिए, एक पहचान के लिए होता है कि किस, कौन आदमी कहाँ से संबंधित है। पाली में सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।